हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी का बहुत ही हेल्दी और यमी रेसिपी। तो फिर चलिए इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप सूजी, आधे कप दही, दही ताज़ा होना चाहिए, और इसको मैंने फेंट लिया है, नमक स्वाद अनुसार। इन सभी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसका हमें गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। तो देख सकते हैं सूजी ने दही को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने 1/4 कप के करीब पानी। पानी डालने के बाद इसको हमें अच्छे से फेंटना है, तो मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा ही पानी डाला है। और ये जो बैटर है काफ़ी गाढ़ा है, तो मैंने बचा हुआ पानी भी डाल दिया है। तो हमें बाद में जो बैटर इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए, तो फिलहाल के लिए इसे हम ढककर रख देते हैं आधे घंटे के लिए, ताकि सूजी हमारा अच्छी तरह फूल सके। तो जब तक हमारा सूजी फूलता है, इधर हमें स्टफिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ पे लिया है मैंने उबले हुए आलू, 250 ग्राम के करीब है ये। आलू को हम मैश करेंगे फॉक से। आप चाहो तो इसे हाथों से भी तोड़ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आलू को तोड़ लिया है। अब इसे हमें भूनना है, तो मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। और पैन जैसे ही गर्म हो जाए, इसमें हमें डालने हैं सरसों के तेल 1 चम्मच, या फिर आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हो वो ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच जीरा और सौंफ, बारीक कटे हुए हरी मिर्च 1, इन सभी को सौते करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट आधी छोटी चम्मच, मैंने इसे कूट लिया है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे, और ये सारे प्रोसेस को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करने हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच। मैंने यहाँ पे मसाले बहुत ही कम डाले हैं, और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। मसाले डालने से पहले आप फ्लेम को लो कर दें, इससे हमारा जो मसाला है वो जलेगा नहीं। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और मसाले को हम 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। जब एक बार मसाले से अच्छी खुशबू आने लगे, उसके बाद ही इसमें हम डालेंगे मैश किया हुआ आलू। आलू को हमें 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि आलू में जो भी कच्चापन है वो निकल आए। और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टफिंग हमारा तैयार हो गया है। तो इस स्टफिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं पराठे में, या फिर सैंडविच में ऊपर से डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, और ये हमारा आलू का यमी सा स्टफिंग तैयार है। तो इसे हम साइड में रख लेंगे। इधर हमारा बैटर भी थिक हो गया है, तो आइए इसे चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं सूजी अच्छे से फूल गया है, और जैसा हमें बैटर चाहिए था इससे काफ़ी थिक हो गया है। तो इसमें हमें अभी और पानी डालने हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब पानी डाला है। तो पहले इसमें हमें कम ही पानी डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है। तो अब हमारा ये बैटर परफेक्ट है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि हमारा जो बैटर है थोड़ा सा फ्लफी हो सके। और ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हमारा बैटर आ गया है। तो हमें बैटर बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 प्लेट लिए हैं स्टील के। आप चाहो तो इसे केक टिन में भी बना सकते हो। इसे हमें स्टीम करने हैं, तो मैंने प्लेट को पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1.5 चम्मच के करीब बैटर। तो मैंने यहाँ पे सभी प्लेट में 1.5 चम्मच के करीब बैटर डाले हैं। अगर आपके पास छोटा सा कटोरी हो तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो एक बार इसे हम टैप कर लेंगे, ताकि यह अच्छी तरह चारों ओर फैल जाए। अब इस बैटर को हमें स्टीम करना है, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसके ऊपर एक जालीदार सा प्लेट डाल दिया है। तो पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, इसके ऊपर डाल देते हैं
बैटर वाला प्लेट, इसको कवर कर देंगे और इसे हमें लगभग 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम करना है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही स्टीम करना है, वैसे सूजी बहुत जल्दी पक जाता है। तो आइए चेक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं फूल के बहुत ही बढ़िया आया है, और ये देखिए अच्छे से स्टीम हो गया है, कहीं से भी कच्चा नहीं है। तो फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है, अब इसे निकाल लेते हैं। जब एक बार यह ठंडा हो जाए तभी इसे हम डीमोल्ड करेंगे। तो आप चाहो तो इस टाइप का कटोरी में भी डाल सकते हो। तो सेम प्रोसेस हमें फॉलो करने हैं। तो हमारा आलू का जो स्टफिंग था ठंडा हो गया है, तो इसको हम गोल करके इसका हम टिक्की बना लेंगे इस तरह से दबाते हुए। टिक्की बनाने से पहले आप हाथों को ऑयल से ग्रीस कर ले, इससे आलू आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं। तो इसके हमें टोटल 4 टिक्की बनानी है इस तरह से। तो ये देखिए मैंने आलू की टिक्की बना लिए हैं। अब हमें सूजी में स्टफ करने हैं, तो सबसे पहले से हम डिमोल्ड करेंगे। तो आप कोई भी चाकू या फिर चम्मच ले सकते हो, उससे आप इस तरह से डिमोल्ड कर ले। हमने प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लिया था इसलिए आसानी से निकल रहा है, और इसे आप ठंडा होने के बाद ही डिमोल्ड करें। अगर इसे आप गर्म में डिमोल्ड करेंगे तो ये टूट जाएगा, और देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफी है ये। वैसे इसे आप इडली के रूप में भी सर्व कर सकते हैं, और ऊपर से इसको मैंने ट्रिम कर लिया है। इसमें अब हमें आलू के स्टफिंग डालने हैं, इस तरह से प्रेस कर लेंगे, और ऊपर से दूसरे स्टफिंग को डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा सूजी का सैंडविच तैयार है। स्टफिंग को हमने अच्छे से प्रेस करके डाल दिया है चारों ओर, ताकि कहीं से भी ये खाली ना दिखे। तो आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए, खाने बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसको हमने अच्छे से सील कर लिया है ताकि बाद में यह खुले नहीं। अब इसमें हम तड़का लगा लेंगे। वैसे यह स्टेप यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है, पर इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें हमें तड़का लगाना है। मैंने पैन में डाल दिया था तेल, सरसों के दाने, और ऊपर से मैंने डाल दिया है सेजवान चटनी। वैसे आप टमाटो केचप भी ले सकते हो या फिर हरी चटनी। तो फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए और सौते कर लेंगे, ताकि चटनी का फ्लेवर ऊपर वाले पोर्शन पे आ जाए। इससे इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो आप एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को बनाकर देखिए। आप इसे सूजी का सैंडविच भी कह सकते हैं, और काफ़ी हेल्दी है ये। तो ये देखिए हमारा सूजी का शानदार नाश्ता बनकर तैयार है। इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। तो होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।